हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका क्विक 3DS में। और आज दोस्तों मैं बताने वाला हूँ बेसिक 3D मॉडलिंग ऑफ ए हाउस यूजिंग स्प्लाइन मॉडलिंग इन 3DS मैक्स। तो आइए शुरू करते हैं। मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया है जो फाइल हम इंपोर्ट करेंगे 3DS मैक्स में। तो ये बेसिकली एक घर का डिज़ाइन है कैड में, और ये उसका ग्राउंड फ्लोर है और ये जो है वो है उसका फर्स्ट फ्लोर। तो इस फाइल को मैं मैक्स में इंपोर्ट करूँगा और इसका हम सबसे पहले यूनिट चेक कर लेंगे ये किस यूनिट में बना है। तो यूनिट चेक करने के लिए हम टाइप करेंगे कीबोर्ड में यूनिट, और जैसा कि आप देख सकते हैं यूनिट आ गया है। इस पर क्लिक करेंगे और ये फाइल का जो टाइप है वो आर्किटेक्चरल है, और इसका जो यूनिट है वो है इंचेस। तो इट मींस कि ये फाइल इंच में है। तो यही यूनिट सेटअप हम मैक्स में भी यूज़ करेंगे अपने। तो आइए शुरू करते हैं। मैक्स में हम सबसे पहले यूनिट सेटअप के लिए कस्टमाइज में जाएंगे, और उसमें यूनिट सेटअप आता है। यूनिट सेटअप में हम इसको, मैं जो यूज़ करता हूँ वो जेनरिक यूनिट यूज़ करता हूँ इंटरनेशनल, और सिस्टम यूनिट में हम केवल सिस्टम यूनिट चेंज करते हैं। इंचेस है तो इंचेस हम लेंगे। ओके देन ओके। उसके बाद ये जो फाइल है मैं ये इंपोर्ट कर लेता हूँ। मैंने ऑलरेडी डेस्कटॉप में सेव कर रखी है फाइल, ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर दोनों अलग अलग करके। तो ग्राउंड फ्लोर की फाइल हम पहले लेके आते हैं। ग्राउंड फ्लोर की फाइल हमने इंपोर्ट कर दी है, ये फाइल हमारी आ गई है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, फाइल सेलेक्ट करके इसको ग्रुप में जाके हम ग्रुप कर देंगे, और इसको कोई नेम दे देंगे कैड ग्राउंड फ्लोर। आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम दे सकते हैं इसको। और इसके बाद दूसरा जो स्टेप है हमारा, इस पर हम मूव टूल पे राइट क्लिक करेंगे माउस का, और एक्स वाई जेड इन तीनों एक्सिस को हम 0 0 0 करेंगे। ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि जो हमारी जो फाइल जो इंपोर्ट होती है वो सेंटर में नहीं होती। कभी भी हम जब इंपोर्ट करते हैं तो उसको सेंटर में लाने के लिए, 0 0 एक्सिस पे लाने के लिए हम मूव टूल पे राइट क्लिक करके ये तीनों एक्सिस 0 0 कर लेते हैं। ये बहुत ही यूज़फुल है। जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करें तो हमेशा ध्यान देना कि ये 0 0 एक्सिस पे हो फाइल। उसके बाद ये हमारा अभी ग्राउंड फ्लोर इंपोर्ट कर दिया। इसके बाद हम इस पर इंपोर्ट करेंगे फर्स्ट फ्लोर इसका। अब आप देख सकते हैं ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर, ये जो हमने ऑलरेडी सेव करा, ये हमारा सेकंड फ्लोर है। तो इसको भी हम सेलेक्ट करके और इसको ग्रुप कर देंगे कैड फर्स्ट फ्लोर। एक्चुअली नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, नेम करने से इजी रहता है, आपको भी याद रहता है कि मैंने कौन सी फाइल किस नाम से सेव करी है। इसको भी हमने 0 0 एक्सिस पे ले आए, तो ये 0 एक्सिस पे ले आए तो ये और बिल्कुल इसके ऊपर एकदम लग गई है। अभी हम जो हाइट, हम बाय डिफ़ॉल्ट हम 10 फीट लेते हैं एक फ्लोर की हाइट, तो इसको मैं 10 फीट पे मैं इसको हाइट दे देता हूँ। तो ये इसकी हाइट हो गया। अभी हम बनाना शुरू करते हैं ग्राउंड फ्लोर से। इसको हम हाइट कर देते हैं फर्स्ट फ्लोर को। अभी कैड हमारा ग्राउंड फ्लोर का सिलेक्ट है। अभी जो मैं मॉडलिंग है ये दो तरीके से होती है स्प्लाइन में। एक तो आप टॉप से मॉडलिंग कर सकते हैं इसकी, टॉप से मैं बता देता हूँ। एक होती है कि आपने लाइन लिया, देन आपने स्नैप टूल 2.5 आप यूज़ करेंगे, 2.5 यूज़ करके और इसको वर्टेक्स पे क्लिक कर देंगे यहाँ पे ग्रिड। ये अगर राइट क्लिक अगर आप करेंगे इस पे 2.5 पे, तो ये वर्टेक्स का ऑप्शन आप ऑन रखिएगा। और ये इसलिए होता है कि ताकि ये वर्टेक्स पे ही अपने आप स्नैप हो जाता है। लाइन लिया, उसके बाद हमने ये क्लिक किया, ये हम वॉल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये वॉल बना दी। ये एक पहला मेथड है जो मैं बता रहा हूँ, इस तरीके से आप वॉल बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल इतना ही बनाऊँगा, ये केवल आपको दिखाने के लिए है। और ये आपका ये इस लाइन है, इसको हम वर्टेक्स में जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे, अटैच का ऑप्शन आता है, अटैच कर देंगे। तो ये अभी एक, दोनों एक इसमें आ गए। अभी इसमें एक्सट्रूड डालेंगे और इसको हम हाइट दे देंगे 10 फीट, वॉल की जो हाइट होती है। और यहाँ से हम ये आइसोलेशन मोड होता है, ऑल्ट क्यू इसका शॉर्टकट होता है,
अदरवाइज आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो अभी मैं अनआइड ऑल करता हूँ, ये हमारा ये है। तो एक मेथड तो ये है कि आपने टॉप से ये इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं वॉल। अब आपको अगर विंडो बनानी है यहाँ पे, तो उसके लिए ये है कि आप टॉप में जाएंगे, रेक्टेंगल लेंगे और स्नैप ऑन करेंगे। स्नैप टूल का शॉर्टकट जो है वो एस होता है, इस पर आप अगर जाएंगे तो इसमें भी दिया रहता है। ये रहा, उसके बाद आप यहाँ से रेक्टेंगल इसके ऊपर लगाएंगे, इसको राइट क्लिक करके स्प्लाइन में कन्वर्ट कर दीजिए। अभी आप अगर आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये एग्जैक्ट इसके यहाँ पे आ गए हैं। अब इसको हम एक्सट्रूड करते हैं, तो ये हमारा एक्सट्रूड जो है ये हो गया ऑलमोस्ट 10 फीट, क्योंकि जो पुराना जो हमने कमांड ली थी वो पुरानी कमांड ये लेता है एक्सट्रूड की। तो इसका जो सिल लेवल है, सिल मीन्स की जो नीचे का जो लेवल है वो हम लेंगे, मान लीजिए हम 2 फीट लेते हैं। अभी हमें ऊपर का भी हमें बनाना है, तो इसी की हम कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को जिसको हमें कॉपी करना है, एंड शिफ्ट प्रेस करके इसको ड्रैग करेंगे। तो ये कॉपी इंस्टांस और रेफरेंस मांगता है। अभी हमें कॉपी चाहिए क्योंकि हम इसका इन केस अगर हमें इसकी एक्सट्रूड अमाउंट बढ़ाना हो तो उसके लिए अभी हम इंस्टांस की कॉपी करेंगे। इसको हम 3 फीट कर लेते हैं। तो अभी हमारी जो 3 फीट ये हो गई, और जो हमारा लिंटल लेवल है मीन्स कि जो ये ऊपर वाला जो लेवल है ये हमारा 2 फीट है। तो 3 और 2 5, तो ये जो बीच की जो विंडो है ये हमारी 5 फीट की हो गई है। इसकी हाइट जो है वो 5 फीट की है। तो आई थिंक 5 फीट की इनफ होती है विंडो की जो हाइट होती है जो हम लेते हैं, और डोर की हाइट हम 7 to 8 फीट लेते हैं। तो एक मेथड तो ये है जिस तरीके से आप मॉडल कर सकते हो स्प्लाइन मॉडलिंग में। एक ये होता है टॉप से, ये हमने मॉडलिंग करी है इस तरीके से। और जो मैं मेथड यूज़ करता हूँ, मैं दूसरा मेथड यूज़ करता हूँ इसको बनाने के लिए, तो वो मेथड मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्रंट फ्रंट एलिवेशन। एफ अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, फ्रंट एलिवेशन आ गया। इसमें मैं लेता हूँ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल में मैं स्नैप ऑन कर देता हूँ, और यहाँ से हम एक रेक्टेंगल खींचेंगे, और इसकी जो हाइट है मीन्स लेंथ जो है ये हम लेंगे 10 फीट। ठीक है, इसको मैंने स्नैप करके नीचे मिला दिया। अब इसको हम टॉप में देखेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे और कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर देंगे। उसके बाद इसको हम स्नैप करेंगे यहाँ पे वॉल से, ओके। और इसको हम एक्सट्रूड अमाउंट इसका जो दे देंगे वो मान लीजिए 9 इंच, 9 इंच या 10 इंच की ये वॉल है। 10 इंच की हमने इसको एक्सट्रूड अमाउंट दे दिया इसका। तो ये हमारी वॉल जो है एकदम फिट आ रही है, एकदम 10 इंच की है ये, इसकी जो अमाउंट आप देखेंगे। उसके बाद हम इसका जो स्प्लाइन है, इसको सबसे पहले तो इसको कंट्रोल ए करके, ये जो है अभी बेजियर कॉर्नर है, इसको आप कॉर्नर कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद इसको स्नैप ऑन करके हम इसको यहाँ से मैच करा लेंगे क्योंकि हमारी वॉल यहीं तक है। इसके बाद जो वॉल आ रही है ये हम अलग से बनाएंगे। ये हमारी वॉल अगर आप पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये हमारी वॉल ऐसे क्रिएट हो गई है। इसको अगर एक्सट्रूड आप ऑफ करेंगे तो ये हमने फ्रंट से, हमने ये एलिवेशन में हमने ये बनाई है वॉल। अभी हमें क्या करना है, इसमें 2 विंडो हमें काटनी है। तो इन विंडो के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लाइन इसका सिलेक्ट कर लेंगे, और अभी इसका जो आउटलाइन है ये आउटलाइन का हम अमाउंट देंगे। इसको हम कितना देंगे, 2 फीट। तो अभी 2 फीट में क्या हो गया, ऊपर से भी 2 फीट, यहाँ से भी, और यहाँ से भी 2 फीट हो गया। ठीक है, अभी हम टॉप में जाएंगे। अभी टॉप में हमारा, हमने जो 2 फीट दिया था वो ये वाला है। इस वर्टेक्स को हम सेलेक्ट करके इस विंडो पे मिलाएंगे, और यहाँ वाला जो था इसको हम सेलेक्ट करके इस वाली विंडो पे मिलाएंगे। तो ये हमारी एक विंडो का साइज आ गया है, बट हमें नीचे से 2 फीट नहीं, हमें 3 फीट चाहिए था। तो हम इन दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करेंगे और मूव टूल पे राइट क्लिक करेंगे, और अभी हमें वाई एक्सिस पे 1 फीट बढ़ाना है। तो 1 फीट एंड एंटर। तो ये हमारा विंडो का जो साइज है ये 5 फीट का हो गया। तो यही हमने कॉपी करना है। तो हम कॉपी कैसे करेंगे, मैंने पहले भी बताया था आपको, शिफ्ट प्रेस करके, और ये हमारी कॉपी हो गई है। अभी ये जो कॉपी हुई है इसको टॉप में जाके हम इसको अपनी पोजीशन पे, जो हमारी टॉप से प्लान में जो पोजीशन आ रही है उस पे जाके लगाएंगे, लेकिन स्नैप ऑन करके। तो ये एग्जैक्टली वहीं पे स्नैप हो जाएगा। उसके बाद आप एस दबा के स्नैप ऑफ कर दें। ये
मेथड मैं यूज़ करता हूँ बिल्डिंग, कोई भी हाउस या कोई भी मतलब डिज़ाइन जो है मैं इस तरीके से फ्रंट में जाके और इस तरीके से, ये बहुत ही इजी मेथड होता है। इसमें क्या होता है, अगर आपको एडिट भी करना है, मान लो आपकी विंडो जो है इस पोजीशन से हट के आपको मान लो बनने के बाद अगर इसको आगे पीछे मूव करना है तो ईजिली आप मूव कर सकते हो, इसको अगर आपने बड़ा करना है तो आप बड़ा भी कर सकते हो। तो ये बहुत ही ईजी मैथड मुझे लगता है, और अगर आपके पास भी कोई और मेथड है इसको करने का तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अभी आप टॉप में जाएंगे, अब हम ये वॉल तो हमारी बन गई है, अब हमें साइड की जो ये वॉल है ये बनानी है। ये कैसे बनाएंगे, तो हम इसी को शिफ्ट प्रेस करके कॉपी कर दिया, ओके, देन रोटेट, यहाँ से इसका शॉर्टकट ई है, आप किसी भी आइकॉन पर अगर क्लिक करेंगे तो उसका शॉर्टकट आ जाता है, तो इजी है। इसको हम अभी ये रोटेट जो है ये ऐसे हो रहा है, ये -23, 20, तो इसको एकदम 90 डिग्री पे हम कैसे करेंगे, तो जो रोटेशन का इस पर हम राइट क्लिक करेंगे माउस का, और नहीं इस पर नहीं, रोटेशन पे नहीं, हम स्नैप एंगल जो है इस पर राइट क्लिक करेंगे। अभी ये जो एंगल है इसका 5 डिग्री पे है, तो इसको हम 45 कर देंगे, ठीक है। अभी अगर हम अब रोटेट करते हैं तो ये 45 डिग्री पे ये रोटेट होगा, तो हमें 90 डिग्री चाहिए, हमने 90 कर दिया। अभी हम मूव टूल लेके और इसको बिल्कुल स्नैप कर देंगे इसके साथ, ये हमने स्नैप कर दिया। अभी हम टॉप पे ही काम कर रहे हैं, इसमें हम जो वर्टेक्स है इसके ये यहाँ पे ले लेंगे, और अभी इसको हम विंडो जो हमारी आ रही थी टॉप से ये हमने इस पर मिला दिया, तो ये हमारी पहली विंडो हो गई, और जो दूसरी है ये हमने इसका वर्टेक्स लेके ये दूसरी विंडो। अगर अब इसको हम पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो ये देखिए ये आपका तैयार है विंडो दोनों, और अभी हम क्या करेंगे, अभी इसी तरीके से हमने दोस्तों बाकी ये जो चीज़ें हैं ये भी हम मॉडल करेंगे। फ्रेंड्स अभी हम विंडो बनाएंगे, वॉल हमने बना ली है, इसमें विंडो बनाने के लिए हम रेक्टेंगल लेंगे, यहाँ से हम स्प्लाइन शेप में गए और शेप में रेक्टेंगल लेंगे, और स्नैप हम ऑन कर लेंगे, ये हमने एक रेक्टेंगल ले लिया, राइट क्लिक करके इसको स्प्लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे, और इसके जो वर्टेक्स हैं इनको हम कॉर्नर कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे स्वीप कमांड, ये आप मॉडिफायर लिस्ट में अगर आप स्वीप डालेंगे SW तो यहाँ से भी आ सकता है, और ये यहाँ से जो बिल्डिंग सेक्शन है इसमें हम बार ले लेंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो लेंथ और विड्थ है ये हम एडजस्ट कर सकते हैं। लेंथ विड्थ हमें जो है दो इंच चाहिए, लेंथ हम 4 इंच ले लेंगे, और इसको अगर हम टॉप से देखते हैं ये अभी यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसको हम मूव करके अपने विंडो के बीचों बीच लगा देंगे फ्रेम को, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, तो ये इस तरीके की हमारा जो ये विंडो का फ्रेम बन गया है। इसको हम चाहे तो इसकी विड्थ हम बढ़ा भी सकते हैं, और जैसा भी आपको चाहिए इक्वल साइज़ में वो चारों तरफ से बढ़ेगा। और दूसरा इसमें जो स्मूथ सेक्शन और स्मूथ पाथ होता है ये हमको ऑफ करना होता है, इसकी हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है क्योंकि ये स्मूथ, इसमें स्मूथ की ज़रूरत नहीं है रेक्टेंगल में जो हम फ्रेम बनाते हैं। और इसके बाद हम इसका ग्लास बनाएंगे, ग्लास का भी वही मेथड है, रेक्टेंगल लेंगे और स्नैप ऑन करके हम इसको स्नैप करके और कन्वर्ट टू स्प्लाइन कर लेंगे, और इसको हम एक्सट्रूड दे देंगे इसमें, तो एक्सट्रूड अमाउंट हमने 1 ले लिया 1 इंच, और इसको हम जाके इसके बीचों बीच सेंटर में हम लगा लेंगे इस तरीके से दोस्तों। तो ये हमारा फ्रेम बन गया, ये ग्लास और ये हमारा वुडन फ्रेम, तो इसको हम ग्रुप भी कर सकते हैं, और ग्रुप करने के लिए हम यहाँ पे जाके ग्रुप, और इसको हम नाम दे सकते हैं विंडो, इसको हम शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे, ये इसकी कॉपी बन गई। इसको अगर ये सेम साइज़ का है तो इसको आप इंस्टांस कर लीजिए, तो हमने अभी फ़िलहाल इंस्टांस करके देखते हैं, हाँ साइज़ दोनों का सेम है, अगर हम एक में चेंज करेंगे तो दूसरे में भी चेंज होगा। अभी दोस्तों
ये हमारी बन गई है विंडो। अब विंडो के बीच में हम अगर एक पल्ला हमें डालना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे इस फ्रेम को और इसके सेगमेंट में हम जाएंगे और यहाँ से शो हम कर लेते रिज़ल्ट। और यहाँ से हमने ये शिफ्ट के साथ प्रेस किया, ये हम किस कैसे किया हमने, इसके हम सेगमेंट में गए स्प्लाइन के और इसको हमने स्प्लाइन का सेगमेंट सेलेक्ट किया और यहाँ से हमने शिफ्ट के साथ प्रेस करके इसको खींच दिया। तो ये हमारा आप देख रहे हो दोनों में ये चीज़ बन गई है, क्योंकि इंस्टांस था तो एक में भी अगर हम करते हैं तो वो दूसरे में ऑब्वियस है कि वो हो जाएगा। अभी ये वर्टेक्स को हम सेलेक्ट कर लिया और इसको हम इसके टॉप वाले इस वाले एज पे हम मिलाएंगे क्योंकि ये ओवरलैप हो जाएगा अदरवाइज़। तो अभी ये बिल्कुल परफेक्ट इसका जो है ये अगर आप देखोगे तो ये इस तरीके से ये बन गया है। तो स्वीप कमांड जो है ये काफ़ी यूज़ होती है इन चीज़ों को बनाने के लिए और इसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा स्वीप कमांड। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझे बताइएगा। तो ये हमारी विंडो बन गई इस तरीके से। तो इसी तरीके इसी को ही हम कॉपी करके और या तो इंस्टांस अगर सेम साइज़ है तो इंस्टांस करिए और अगर अलग है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी इसी मेथड को फॉलो करते हुए ये चीज़ बनाएंगे। तो फ़िलहाल इस वीडियो में आई थिंक इतना ही है, नहीं तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। और इस मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा जिसमें कि मैं और भी चीज़ें आपको बताऊंगा कि बालकनी कैसे बनानी है इसमें और पैरापिट कैसे बनानी है, टेरेस कैसे बनानी है। तो दोस्तों बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल पे और इसी तरीके की मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहूँगा और मैं कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिले मेरी वीडियो से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए इस वीडियो में आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।